पार्वती तुम भोली हो, बहुत बहुत भोली हो, सीधी हो तुम। किन आंखों से पार्वती जितना दिख रहा है सब नस्वर है, सब झूठा है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, यहाँ तो सब नस्वर है जो आंखों से दिख रहा है। तो सत्य क्या है महाराज? सत्य तो गोविंद का भजन है, दान पुण्य है, सत्य तो धर्म है। महाराज सत्य धर्म है, बोले हाँ, धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। मानव जो धर्म के साथ जुड़कर अच्छे कर्म करे वो सत्य है। कर्म तो मानव कर रहा है, यहाँ कर्म भोग भी रहा है, कर्म कर भी रहा है और कर्म पा भी रहा है। बड़ा ही सुंदर भाव दिया राजन, बिहारी जी की पावन सी लीला है कि सत्य केवल भगवान का भजन नहीं। बोले महाराज ये बेटा ये बेटी ये कोठी ये बंगला ये गाड़ी घोड़ा रिश्तेदार परिवार, बोले ये सब नश्वर है, ये सत्य नहीं है। इस धरती पे जितना कुछ आपको दिख रहा है ना, इसमें सिर्फ वो पांच तत्व ही सत्य है, अर्थात सब कुछ नश्वर है। महाराज पांच तत्व कौन कौन से? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये पांच तत्व अमर है, बाकी तो सब नश्वर है। हाँ तुम्हारा धर्म कर्म भी सत्य है, जो तुम धर्म कर्म कर रहे हो, हाथ से चुन्न पुण्य कर रहे हो, ये तुम्हारा सत्य है। तो हे महाराज, यानी आंखों से जितना दिख रहा झूठा है, बोले हाँ, जो आंखों से नहीं दिख रहा वही सत्य है। मरने के बाद वो सत्य हमें देखने को मिलता है। आत्मा देखती है कौन किसका है। देखो ये परंपरा ऐसी नहीं बनाई गई कि अगर बाप मर जाए तो बेटा आग लगावे, पत्नी मर जाए तो पति आग लगावे। इससे क्या होता है? इससे ये दिखलाया जाता है प्रभु छोड़ते आत्मा को। बोले आत्मा देख, अरे प्राणी देख, जिस के लिए दिन रात मर रहा था उस सगे बेटे ने ही तुझ में आग लगा दी, तुझे जला कर राख कर दिया। जीते जी अगर माँ बाप के चोट लग जाए हम परेशान हो जाते हैं, माँ के कुछ हो जाए तो बेटी भागी जाती है, बेटा भी परेशान हो लेता है, बोले माँ जी के हो गया कुछ। लेकिन साहब प्राण निकलने के बाद वही बेटा आग लगा देता है, वही पति जो पत्नी से बार बार कहता है अरे साहब हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, समय आने पे वो पति ही तो आग लगाता है। ये नीति बनाई ताकि तुझे पता चल जाए सत्य क्या है असत्य क्या है। जिन बच्चों के लिए हम साहब पूरी जिंदगी कमाते हैं, समय आने पे वही तो हमें आग लगाते हैं। मेरी मैयाओं समय आने पर वही आग लगाते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं, ये करते वो करते, दो पैसे बचाते, बोले बच्चा कामयाब हो जाए, बच्चा कामयाब हो जाए। आज का मानव अपने लिए नहीं जीता है साहब, आज का मानव अपने लिए नहीं जीता, अपने परिवार के लिए ज्यादा जीता है। बहुत लोग तो परिवार के लिए भी और दिखावे के लिए बहुत जीते। ब्रांडेड साड़ी पहनते हो किसको दिखलाने के लिए? सच बताना, बहुत भक्तजन है जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आप नहीं पहनते लेकिन बहुत लोग होंगे, या आप भी पहनते हो शायद जी। हमें तो नॉर्मल से लेते नहीं, हमें तो शॉप से ही लाते हैं। अच्छा अच्छा कपड़ा होना चाहिए, साड़ी थोड़ी दिखनी चाहिए, क्वालिटी बड़ी अच्छी है, जूते पहनेंगे क्वालिटी के पहनेंगे, ब्रांड पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे तो ब्रांड की पहनेंगे, तो किसको दिखलाने के लिए? ये सच्चाई है, हम दूसरों को दिखलाने के लिए ही अक्सर ये सब चीजें पहनते हैं। हम पहनते हैं, बोले अरे लोग देखते हैं भाई किस क्वालिटी का कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, कैसे कैसे रहते हैं लोग। मेरी मैयाओं, मेरे प्यारे, मेरे ठाकुर करुणामय वैदिक मई लीला है। हे पार्वती, ये संसार माया का जाल है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, फिर भी मेरा मेरा लोग करते रहते हैं।
पार्वती इसीलिए नीति बनाई है। तो आज पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई कि महाराज इन आंखों से जो दिख रहा है वो नश्वर है, जो नहीं दिख रहा वही सत्य बोले। हाँ, दूसरा सवाल करा पार्वती ने कि महादेव एक बात और बताइए। बोले क्या? कि दुनिया में गोविंद मेरे प्रभु मेरे ठाकुर को कौन पा सकता है और कौन नहीं पा सकता है? तो महादेव ने कहा सुनो, दुनिया में प्रभु को कौन पा सकता है और कौन नहीं पा सकता, तो बड़ा ही सुंदर भाव दिया है यहाँ पर। निर्मल मन जन सोही मोह पावा, मोहे छल छूद्र कपट न निर्मल मन जन सोही मोहे पावा, मोकु छल शूद्र कपट ईर्षा जलन नाही भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन ही मुझे पाता है, जिसके मन में कपट ना हो, छल ना, यानी कि जो तुम दिख रहे हो तुम वैसे ही होने चाहिए। आप सीधे दिखते हो तो सीधे ही होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ लोग ऊपर कुछ और अंदर कुछ और होते हैं। निर्मल मन जन सोही मोहे पावा, निर्मल मन जिसका मन दयालु हो, जिसके मन में पाप ना हो, छल ना हो। किसी को रोता हुआ देखा तो कुछ लोग ऐसे होते पास बैठ जा रोने लग जाते बेचारे, किसी को भूखा ए भैया तू रोटी खा जा ले, दो रोटी ले जा। तो निर्मल मन जन सोही मोहे पावा, मोकू छल शूद्र कपट ईर्षा जलन नाही भावा। छल शूद्र कपट ईर्षा जलन, जिन भक्तों के मन में ये सब चीज होती है, बैठ जाए तो मकान बना लियो तो अपन आप को ही समझे, अब तो सब कछु यही है, यानी कि अरे बना लिया तो बना लिया, तू क्यों चल रही है, है? देखते तो कैसी साड़ी पहन के इतरा के दिखला रही है, कुछ ये भाव होते कुछ लोगों के। अरे भाई कोई कैसा भी कुछ करे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुझे भगवान की भक्ति, अगर तू खाली बैठी है तो झोला ले ले हाथ में और भगवान को भजन कर ले। देखिए चुगली चकाटी से अच्छा है कि गुरु बनाइए और गुरु बनाने के बाद एक झोला ऐसा ले लीजिए, जब जब खाली हो तो भगवान का भजन करो, क्योंकि परम आनंद तो भगवान के भजन में है। निर्मल मन जन सोही मोहे पावा, भगवान कहते हैं कपटी नहीं, मुझे तो ऐसा प्राणी चाहिए जो सरल हो। अब सरल कहना आसान है लेकिन सरल बनना बड़ा मुश्किल है, साधारण व्यक्ति कोई सिंपल रहना ही नहीं चाहता आजकल, आज की रेट में सिंपल कोई रहना ही नहीं चाहता। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो बिहारी जी की पावन सी लीला मेरी मैया। पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई लेकिन एक सवाल और पूछा पार्वती ने, ये संसार क्या है महाराज? तो महादेव कहते हैं हे गोरा, ये संसार कर्म क्षेत्र है। ये संसार क्या है? कर्म क्षेत्र है। ऐसे तमाम भक्त हैं जो बस कर्म में विश्वास रखते हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है, बोले भगवान कहते कर्म करो कर्म करो,
उन मूर्खों से बोलो कि भागवत गीता संपूर्ण तरीके से पढ़ो। भगवान ने यह भी कहा कि कर्म के साथ धर्म भी करो। खाली कर्म कर रहे हो तो फिर क्या फायदा जीवन का? जीवन का आनंद जब है जब तुम कर्म में धर्म करो। कर्म में क्या करो? धर्म करो। और धर्म में कर्म करो, यानी कि धर्म के अंदर प्रवेश हो जाओ और उसके बाद फिर कर्म करो, तो कभी कर्म तुम बुरे कर ही नहीं पाओगे। कुछ लोग कहते हैं ना, जो करते भगवान करते, कर्म वही करवा रहे हैं, हम तो कर्म कर रहे हैं, फल वो देगा। हाँ देगा, बिल्कुल देगा, नो डाउट फल देगा वो। मगर कर्म क्या कर रहे हो और क्या कर्म करना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये धर्म बताएगा। हमें क्या कर्म करना चाहिए ये कौन बताएगा तुम्हें? ये हमारा धर्म बताएगा। धर्म ही तो सिखाता है कि क्या कर्म करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो व्यक्ति कोई भी कर्म करके आ जाएगा उल्टे सीधे। बोले कर्म कर रहे थे, देखो खाना कर्म है, पीना कर्म है, किसी भूखे को रोटी खिलाना कर्म में आता है, लेकिन किसी भूखे की रोटी छीनना ये भी कर्म में आता है कि तुमने एक कर्म कर दिया, पर बुरा कर्म कर दिया। तुम्हें धर्म क्या सिखाता है? धर्म तुम्हें सर्वमार्ग दिखलाता है, अच्छे मार्ग पे लेकर चलता है कि कर्म कर पर हद में रहकर कर और अच्छे कर्म कर, पूरे नहीं। इसीलिए मैंने अभी कहा कि गुरु बनाकर झोला ले लीजिए, जब कभी खाली बैठा करें तो भगवान का भजन करा करें। ये धर्म सिखला रहा है। अब ये कथा हो रही है तो कथा बता रही है ना, कथा धर्म करना सिखा रही है। तुम कर्म कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, ये कर्म है, लेकिन कर्म में धर्म है कि हमें कर्म करें तो कहां करें, क्या करें? दान करें तो कहां करें? यही पैसा अगर तुम ढोल वाले को देते हो तो क्या दान होगा? ये बोलो होगा दान? अगर डीजे पे कोई नाच रहा हो मदरा पी के और तुम 500 की नोट या 100 की नोट लुटा दो तो क्या वो धर्म है? बोलो वो कर्म है। हाँ मेरी भैयाओं, वो हमारा कर्म है, हम कर्म कर रहे हैं, हम गवा रहे हैं उस चीज को। लेकिन धर्म क्या सिखाता है कि साहब मदरा वालों के ऊपर नहीं, जो भगवान के पियक्कड़ हैं, जिन्होंने भगवान के नाम का प्याला पिया है, दान करना तो ऐसी जगह करो, गौ दान करो, गौ की टांग नहीं तोड़ो, गौ को दान पुण्य करो, गौ माता के लिए चारा दान करो, यानी अच्छे कर्म करना ही धर्म है। कर्म करो। बहुत लोग कहते हैं नौकरी कर रहे हैं महाराज, कमा के लाते हैं, कर्म कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन इतना ही तो सब कुछ नहीं है ना, उद्धार के मार्ग के लिए भी तो कुछ करना है। अच्छा तुम कर्म कर रहे हो, इतना तो कुत्ता भी कर रहा है ना, पेट वो भी भर ले रहा है, परिवार वो भी बना ले रहा है, बच्चे उसके भी है, सब कुछ वो कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन वो धर्म नहीं कर सकता। जो जानवर है वो कन्यादान कर सकता है? सच बताना, बेटी की शादी कर सकता है, भंडारे कर सकता है, कथा करवा सकता है, ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकता। तो सिर्फ ये मानव की देह को ही मौका दिया गया, 84 लाख योनियों में ये एक मानव की देह है जो मोक्ष कर द्वारा, मानव देह है मोक्ष कर द्वारा। अगर अब भी आप लोग धर्म में नहीं घुसते हैं तो बेकार है जीवन हमारा। तो मेरे भैयाओं, स्वामी जी ने कहा धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। कर्म कौन सा करना है, ये एक साधु एक ब्राह्मण ही तुम्हें बताता है कि हमें ये कर्म करना चाहिए, ये धर्म करना चाहिए। कर्म करते करते धर्म कर लो। एक व्यक्ति फौज में होता है, वो कर्म कर रहा है, वहां नौकरी कर रहा है, मगर अगर वो ये सोच ले मेरे को तो सैलरी मिल रही है, मैं काय को मारूं किसी को, मैं तो भागे हूं बच के आ जाऊं, तो फिर तो कर्म ही हुआ ना, खाली धर्म का हुआ। धर्म तो जब है कि जब तुम एक व्यक्ति दसों को बचा लेते हो और खुद वहां प्राण त्याग दो, तो ये धर्म है कि तुम्हारे वजह से 10 जने बच गए, ये धर्म है। एक खुद भूखे रहकर आप दूसरे को अगर रोटी खिला देते हो तो ये धर्म है।
आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म में धर्म कर रहे हैं। बीच बीच में कथा सुनते सुनते दान पुण्य, लो महाराज जी हमारी तरफ से है, ये महाराज जी हमारी तरफ से, यानी कर्म तो कर रहे हो, कर्म के साथ में क्या कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो। तो आज बिहारी जी की पावन सी लीला है, पार्वती बड़ी प्रसन्न हो रही है और कहा देवी संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म ही प्रधान है, जो तुम करोगे वैसा ही भरोगे। अब चाहे तुम अच्छे कर्म करो चाहे तुम बुरे कर्म करो। तो आज पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और कथा चलती जा रही है, कथा 10वें स्कंध में पहुंच गई। भगवान कृष्ण उद्धव जी का संवाद चल रहा है, उद्धव जी और कृष्ण का जब संवाद चल रहा है तो उद्धव जी बोले महाराज ये मतलबी लोग हैं, इन मतलबी लोगों के साथ तुम इतने जुड़े रहते हो प्रभु, ये अच्छे लोग नहीं है, इनसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। प्रभु ने कहा उद्धव उद्धव ये प्रेम की बात है, तुम नहीं समझ सकते, ये तो भक्त और भगवान की बात है, तुम नहीं समझ सकते। बोले मतलब प्रभु कि कलयुग में ऐसे कितने भक्त हैं जो सुबह उठते हैं स्नान करते हैं और फिर मुझे भी स्नान कराते हैं, अपना भोग लगाने से पहले ये मेरा भोग लगाते हैं। उद्धव बहुत लोगों ने ठाकुर सेवा ले रखी है, खुद सोते हैं तो उससे पहले मुझे सुलाते हैं। तो जब इतना कहा तो कहने लगे प्रभु ये मतलब ही है, अच्छा हो जाए तो ये सब कहते मैंने कर दिया और बुरा हो जाए तो यूं कहते भगवान को ऐसा ही मंजूर था। यानी अच्छा हम करते और बुरा कौन करते, भगवान करते। सही में प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। उद्धव ये प्रेम की बात है, भक्त और भगवान की बात है। तो बड़ा सुंदर भाव दिया है और आइए थोड़ा गुनगुनाते हैं, भगवान समझा रहे उद्धव सुनो मेरी बात। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आइए सभी मिलकर आनंद लेंगे प्रभु की भक्ति का। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है, बंदगी तेरे बस के नहीं है, नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, पूजा में खुद ने उद्धव
पे हो, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सरजू काने की फुर्सत नहीं है, नहीं है, सरजू काने की फुर्सत नहीं है, नहीं है। ताली बजाते हुए जाए हो, यहाँ पर कौन कौन पीता है ईमानदारी से बताओ। जो पीते हैं मैं भी पीता हूँ, वेरी गुड, लगी रही हो। और कोई तुम भी पीती हो, वेरी गुड, तुम तो पी रही हो। वो सुबह पीते हैं शाम को उतर जाती है, वो सुबह पीते हैं तो शाम को उतर जाती है। हम एक बार चढ़ा ले तो सालों साल तक चलती है, क्योंकि ब्रांडेड पीते हैं। आइए, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये अंगूरों की मदरा नहीं है, नहीं है, ये अंगूरों की मदरा नहीं है, नहीं है। वो तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव और कृष्ण की बात चल रही है, माता पार्वती को आ गई नींद, और ये नींद कौन है? इसका असली नाम है निंद्रा, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, 3 महीने ये भी बड़ी आलसनी थी, 3 महीने ये भी सोती थी। और मेरे मैया, राम रावण का युद्ध चला तो कुंभकर्ण मारा गया।
निंद्रा आई और कहा तुम मेरे पति को भी तुमने मारा है, तुम मुझे भी मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा मैं प्रिय नारी, मैं नारियों पे हाथ नहीं उठाता, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। महाराज मेरा पति नहीं रहा, मैं जीकर करूं तो क्या करूं। बोले मतलब ये कि जिए बिन देह न देह बिन बारी, तस ही नाथ पुरस बिन नारी। जिए बिन देह, जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। अर्थावली कि जिए बिन देह शरीर की शोभा प्राणों से है, जिए बिन देह नदी बिन बारी नदी की शोभा पानी से है, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कहो। तो बिहारी जी की पावन सी लीला में आज कह लेगे तुम्हारे पति को नहीं दे सकता, तो फिर एक काम करो महाराज। बोले क्या, मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहती। बोले मैंने देखिए देवी, आप हमसे जिद ना करें, हमने आपको पहले एक बात बोल दी कि हम नारियों पे हाथ नहीं उठाते, हम तुम्हें नहीं मार सकते। तो महाराज मैं अब जाऊं तो कहां जाऊं महाराज। बिहारी जी की पावन सी लीला है, जब कहा कि जाऊं तो मैं कहां जाऊं, तब राम जी कहते हैं देवी मैं तुम्हारे दुख को समझ रहा हूं, मैं तुम्हारी प्रेरणा को समझ रहा हूं, तुम तो मुझसे कुछ वरदान मांग लो, जो तुम मांगो मैं उसके बदले वो दे दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारा दोषी बने भाई। दोष तुम्हारे पति का था, तुम्हारा नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारा पति छीन लिया, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो कहती है महाराज बिन पति के जीवन कुछ भी नहीं रहता, अधूरा हो जाता है। महाराज कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, मैं आपकी कथा आपके सत्संग को श्रवण करने आऊं, मुझे एक स्थान दे दो महाराज। तो निंद्रा ने क्या मांगा, कथा और सत्संग में स्थान मेरी मैयाओं। तो कहा जो भक्त कभी कभी कथा में आते हैं, तुम उनके अंदर विराजमान होना, उनको सुला देना और तुम कथा सुन लेना। जो लोग कभी कभी कथा में आते हैं उनको आलस्य आता है, थोड़ी देर स्टार्टिंग में आएंगे तो ऐसे बैठेंगे, बोले इनसे बड़ी कोई भक्तानी नहीं है, ये सीधे होकर बैठ जाएंगे, सुनाओ महाराज कथा हम सुनेंगे, और नेक देर कथा है जाए तो तू पहले घुटना पकड़ लेंगे, ऐसो नेक देर और है जाए दोनों घुटने पकड़ लेंगे, और ज्यादा देर रह जाए तो दोनों टांग खोल के बैठ जाएंगे, बोले अब सुनाओ महाराज। तो ये निंद्रा को आशीर्वाद है, जहां कहीं कथा हो वो भक्तों की परीक्षा लेने आती है। आप कभी देखना जागरण में पूरी रात नींद नहीं आएगी, लेकिन जहां तारा रानी की कथा शुरू हो वहां कभी नोट करके देखना। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो एक बार। तो आज माता पार्वती पर आक्रमण हो गया है, माता पार्वती सो रही है, कथा चल रही है, बाबा भोलेनाथ सुना रहे हैं और ये सो रही है। बाबा ने जैसी कथा स्टॉप करी, थोड़ी सी रोकी, तो नेत्र खोले, महादेव वो जो तो आप कथा बता रहे थे सुना रहे थे वो दोबारे सुनाओ, मैं तो सो गई। तो कैसी बात करती हो तुम, सो गए, हुंकारे तो हमें बराबर आ रहे थे, हम तो हुंकारे के बस में चल रहे थे। महाराज हम सत्य कहते हैं, हमने कथा नहीं सुनी, हम सत्य कहते हैं, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर कथा कौन ने सुनी, बोले मोह का पतो कौन ने सुनी ये कथा। बाबा बोले इसको अर्थ है कि गुफा में कोई तीसरा व्यक्ति भी है। नजर घुमाई बाबा ने, तीसरा नेत्र खोलकर देखा तो तोता नजर आ गया। मैंने बताया था ना, तोता अंडा फूटकर सूखा बन गया। वो तोता हरा है पीपल
हरा है पत्ता ऊपर तो ताबोले, देख बाबा की कथा की शोभा तोता का मन डोले। तोता सुन रहा है, टकटकी लगा कर यूं देख रहा है। बाबा बोले कड़ी खाए जाको अमर करने आए, वो बाबरी तो सो गई और बैठो बैठो तू अमर है रहे हो चोरे। बाबा ने कहा भी बताओ या कड़ी खाए, त्रिशूल उठायो और बाबा पीछे पीछे भाग लिए। ये तोता भागत भागत पहले तो राधा रानी की कुटिया में रहा बहुत टाइम तक वाटिका में, उसके बाद व्यास नदी व्यास आश्रम पर पहुंच गया। व्यास नदी का नाम सुना है, कितने जनों ने सुना जरा हाथ उठाकर बताएं। हाँ, आप कुल्लू मनाली नीचे आ जाओ, पंजाब में भी दर्शन हो जाते हैं, रोहतांग। तो मेरे भैया व्यास नदी व्यास आश्रम, व्यास जी महाराज स्नान करके आए हैं और कुटिया के आगे जल छिड़क रहे हैं और धर्म पत्नी ने भी स्नान करा, वो केस सुखा रही है ऐसे। जैसे धर्म पत्नी यानी इनकी धर्म पत्नी का नाम है पिंगला, पिंगला बाल सुखा रही है केस सुखा रही है, जमाई आई और मुंह फाड़ दिया। अब कुछ आपकी तरह पढ़े लिखे होते हैं जो हाथ अड़ा लेते हैं, कुछ हमारी तरह अनपढ़ होते हैं जो ऐसी मुंह फाड़ देते हैं कहीं भी है। तो जैसे ही मुंह फाड़ा तोता बोला इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, सूक्ष्म रूप बनाए और मुख के द्वारा गर्भ में स्थापित हो गया। बाबा महादेव आए, बाबा ने बड़ा क्रोध किया, बाबा ने महादेव ने बड़ा गुस्सा किया, व्यास जी आपकी कुटिया में मेरा अपराधी आया है। बाबा भोलेनाथ देवादि देव जो आपका अपराधी है वो हमारा अपराधी है, बस इतना बता दो बाबा कि पाप क्या किया है, अपराध क्या किया है। अपराध ये करा कि तुम्हारी मैया को कथा सुना रहा था, गलती से इस तोता ने सुन ली है, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी हंसने लगे, क्यों काय को हंस रहे हो मेरी बात पे। बोले दुनिया आपको भोलानाथ कहती है, भोलानाथ। अरे बाबा तुम तो सच में ही भोले हो। बोले क्यों। बोले महाराज यो कि तोता को कोई बाहर का व्यक्ति कथा सुनाता और आप कहते मार दूंगा मैं मान लेता, पर बाबा जो आपके मुंह से कथा सुन ले भोले बाबा उसे कौन मार सकता है। बाबा का लाल जो नेत्र जो लाल लाल नीचे आ गए, जो त्रिशूल मारने के लिए उठा रखा नीचे आ गया, ऐसा लगा भांग का नशा ढीलो पड़ गया। आज तो प्रेम से बोलो श्री राधे। बाबा महादेव वापस आ गए। ये तोता 12 साल तक गर्भ में रहा, कितने साल तक, नॉर्मल बालक 9 महीने रहता है 10 महीने रहता है, 12 साल, 12 साल तक गर्भ में है। तब प्रार्थना करी कि अरे भाई ये बच्चा क्यों नहीं जन्म लेता है। तो विष्णु भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए और पूछा क्यों नहीं जन्म ले रहा है। बोले मैंने सुना था बाबा महादेव की कथा में कि दुनिया झूठी है, मतलब ही है ये दुनिया, और महाराज इन मतलब दारी लोगों से मैं दूर रहना चाहता हूं, मैं इनसे जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये मतलबी है और मतलबी लोग मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। मतलब की इस दुनिया से हमको तो नफरत है, ए भोलेनाथ हमें तो तेरी जरूरत है। हम तो बाबा की कथा सुन रहे थे, अमर कथा सुनकर हम तो गर्भ में पड़े पड़े भजन कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ का। तो विष्णु जी कहते बेटा भजन भी साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। भजन के लिए जगह कैसी होनी चाहिए आपकी क्या राय है, गंदी साफ सुथरी होनी चाहिए ना। घर में मंदिर हो तो साफ सुथरा हो, मन लगता है। तो बेटा तू तो नरक में पड़ा है। बोले कौन सा नरक, मां का गर्भ नरक ही तो है, कुंदी पाक गर्भ
इसको नरक कहते हैं। कहते ना मानव को नरक भोगना पड़ता है, कहाँ भोगना पड़ता जानते हो? सब कुछ यही है। मानव को उल्टा टांग दिया जाता है। अगर कोई मुझसे कहे कि महाराज ये बात झूठी है तो मैं प्रूफ कर सकता हूं। जब किसी देवी के बालक होने वाला हो तो मशीन से के माध्यम से देखिए मशीन लगाकर कि बच्चा उल्टा होता है, सर नीचे और पैर ऐसे इस तरीके से सिमटा हुआ पड़ा होता है, पैर ऊपर की तरफ होते हैं, चमगादड़ की तरह उल्टा लटकता है और चारों तरफ क्या होता है, मल मूत्र। लोग बड़े पवित्र बनते हैं अपने आप में, है 9 महीने उस मल मूत्र में ही रहते हो सब, हम भी रहे तुम भी रहे हो, खून मवाद चात आदि आस पड़ोस में घूम रहे हैं, उसके अंदर मानव रहा, ये नरक ही तो भोगना पड़ता है और नरक तमाम व्यक्ति को भोगना पड़ता है। मेरी मैयाओं आज कह लगे बेटा जन्म लो। बोले महाराज नहीं नहीं नहीं, मैंने अमर कथा सुनी है, दुनिया झूठी है कि ये दुनिया पाखंडी दुनिया, पैसे की पगडंडी दुनिया, इज्जत व्यक्ति शोहरत व्यक्ति, गली गली इंसानियत व्यक्ति, इंसान भी चोरी हो गया इंसानियत भी चोरी हो गई। कल रात मैंने सुना पैसों के चक्कर में मंदिर से भगवान की मूर्त भी चोरी हो गई। ये तो संसार ऐसा, लोग तो भगवानों को बेच बेच के गुजारा कर रहे हैं आजकल। दिवाली के टाइम टके टके लक्ष्मी गणेश जी की हर चौराहे पे क्या बिकती है, जोर से बोलो, बिचती है ना। और तो और बात छोड़ दो, अब तो कथा भी बिछने लगी है, भागवत कथा भी लोग बेचने लगे। हाँ भागवत कथा कराने के लिए कभी आप कॉल करके देखिए जो टीवी पे कथा आती है। मुझे बड़ा कई बार ये होता है, हमारे गुरु जी की बात अब ठीक लगती है कि फ्री में करो बेटा, फ्री में करो, भागवत को बेचना नहीं चाहिए। 5 लाख 10 लाख जिसकी जेब में ना हो वो कथा कभी करा ही नहीं सकता। इसका अर्थ ये है, प्रेम से बोलो श्री राधे। कथा भी अमीरों की हो गई, गरीब तो फिर भी मारे गए साहब, प्रेम से बोलो श्री राधे। यकीन ना हो ना तो एक बार करके देखना, टीवियों पे कथा आती है ना, नीचे नंबर चलते हैं और कहना हमें कथा करानी है, अजमा कर देखना, तुम्हें अपना पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसमें 5 लाख तो अपने मांगते, उसके बाद इधर उधर के खर्चे तमाम। तो बिहारी जी की पावन सी लीला है। अच्छा एक बात बताओ, दिवाली, इस बात से मुझे याद आ गई, दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी कौन कौन खरीदते हैं, अच्छा कल बताओ, मट्टी के जो लाते हैं सब लाते हैं, कौन कौन जहाजा के द्वारा बताना एक बार, जो मट्टी के लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं। अरे वाह, बंद कर दो लाना, यकीन करो बंद कर दो, फायदे में रहोगे। मैं इसके खिलाफ, मैं लक्ष्मी पूजा के खिलाफ नहीं हूं, मैं गणेश जी की पूजा के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्यारे ये कहना चाहता हूं कि पूजा करने के बाद जब वो खंडित हो जाते हैं ना तो हम उनको गंगा जी में डालकर आ जाते हैं। तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारे साथ ऐसा कर दे तो नेक चोट लग जाए तो तुम क्या करते हो, दवाई लगा के ठीक कर लेते हो, हाथ टूट जाए तो ऑपरेशन करवा लेते हो, ठीक करा लेते हो, फिर अपने भगवान को वहां फेंक देते हो। मैंने एक वीडियो, मैं हालांकि अभी बीच में मैं हरिद्वार गया था, छोटे हरिद्वार, इतना खुश होकर गया मैं, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने वहां पर उन तस्वीरों को पड़ा हुआ देखा, किसी की गर्दन नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति तमाम पड़ी हुई थी। हमारे भगवान, हमारे देवी देवता चरणों में आ रहे थे, क्या कोई इज्जत करेगा हमारे धर्म की, सोचने वाली बात है मेरी भी। इसलिए बंद कर दो मट्टी के भगवान लाने, अगर तुम्हें लक्ष्मी गणेश लाने चांदी के लाओ, सिक्का लाओ, उससे क्या फायदा होगा, हर दिवाली पे एक चांदी का सिक्का खरीदो, तुम्हारे घर में चांदी इकट्ठी होगी, है ना। और जब कोई तीज तो आ रहा तो बहन बेटी को गिफ्ट में दे दो, ले ये लक्ष्मी गणेश जी है अपने मंदिर में रखना। चांदी को तुम फेंक नहीं पाओगे ना, चांदी खंडित होगी, होगी क्या,
और ज्यादा मैगी नहीं 300-400 रुपए की, और नहीं ला सकते एक वाल लिया, हर साल उसी को रखते रहो, गंगा जल में पवित्र कर शुद्धिकरण कर बार बार उन्हीं की पूजा करते रहिए, मगर मट्टी के मत लाइए भाई। एक एक मंदिर में हम इतनी सारी तस्वीर रख लेते हैं, फिर वो खंडित होती है, और खंडित होती है तो फिर उनकी दुर्गति करते हैं हम लोग। मैंने देखा लोग पेड़ों के नीचे रख देते हैं आजकल तो, और लोग वहीं पे मलमूत्र कर रहे हैं। हाय हिंदू वासियों, हमारे देवी देवताओं की दुर्गति है साहब, तो क्या देश बचेगा? सोचो, जिनके हम घर में पूजा करते हैं वो रोड़ों पर, इसलिए ध्यान देना। एक बात और, अगर बात चली है तो धूपबत्ती अगरबत्ती आप खरीदते हैं, पहले तो ये अगरबत्ती के मैं खिलाफ हूं क्योंकि इसमें बांस लगा होता। अभी एक मैया जला रही थी, मैंने स्टॉप कर दिया, मैं बोल नहीं पाया उनको ज्यादा, लेकिन सिर्फ रोक दिया मैंने। इसमें बांस होता, लकड़ हमारे में पूजा में जलाई नहीं जाती है साहब। हाँ, धूप बत्ती है, धूप को जला लीजिए, मगर धूप भी जब आप धूप बत्ती लो तो उस पर भगवान ना छपे हुए हो, क्योंकि ये जो बनाते हैं ना, ये आपको पता होगा बनाते कौन है, YouTube पे सर्च कर लेना या कहीं भी सर्च करना कि भाई धूपबत्ती बनती कहाँ है, कौन बनाता है, जानकर हमारे भगवान को छापा जाता है कि धूपबत्ती निकाल लो और फिर अपने शंकर जी को ऐसे फेंक दो, माता रानी को फेंक दो, वहां पर फिर वो पड़े रहते हैं डब्बे पे छपे हुए, और कोई भी उस पर पैर रखकर। आपने कभी अल्लाह की फोटो देखी किसी धूपबत्ती अगरबत्तियों पे? उनको बोलो पहले उनकी लगाओ, तब हमारे भगवान को छेड़ना। सरदार भाइयों के यहां कभी देखा आपने ऐसा, उनके भाई गुरु वगैरह की फोटो लगी हुई हो? ईसाइयों को देखा, लेकिन हम हिंदुओं के हर चीज में, आप कोई भी चीज खरीद लो उसमें भगवान जी पहले छाप देते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा। ऐसे डब्बे को बोलो डब्बा पकड़ो भैया, ये पकड़ो, हमने सामान निकाल लिया, अपना पैक करके ले आओ, पर जिस पे भगवान छपे हुए हो वो चीज मत लो। हम भगवान के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो लाने के बाद जो कूड़े में फेंक के जाते हैं उसके खिलाफ है। हमारे प्रभु बहुत पूजनीय है, हमारे गोविंद है, वो हमारे हमारे मालिक है, वो हमें हमें सब कुछ दे रहे हैं, और उनको हम फिर, अगर आपकी कोई फोटो नीचे फेंक दो पैर रखे कोई तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, भगवान को अच्छा लगेगा? एक तरफ आप पूजा कर रहे हो, एक तरफ ये काम कर रहे हो। प्रेम से कहो श्री राधे। दूसरी बात, एक बात और, देखो बातों में से बात याद आ जाती है कई बार चलते चलते। शिवरात्रि पे कौन कौन व्रत रहते हैं, हाथ उठाकर बताइए। जो व्रत रहते हैं आप लोग? हाँ, बाबा महादेव को सब मानते हैं ज्यादातर, ये सच्चाई है, इतने प्यारे वो भोले हैं ना इसीलिए। तो बाबा महादेव कि जो शिवरात्रि पे जो व्रत रहते हैं उसमें से कितनी माता बहनें जो दूध चढ़ाकर आती हैं शिवलिंग पर? कैसे चढ़ाते हो दूध? पूरी थैली? हाँ, फिर ठीक है, यहाँ तक ठीक हो आप। देखिए एक बात और, अगर आप थैली ले जाते हो और प्योर पूरा दूध शिवलिंग पे चढ़ाते हो तो वो दूध बाद में नाली में जाता है। यहां मैं आचार्य जी की, ब्राह्मणों की भी गलती मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा, मैं अपने ब्राह्मण भाइयों की भी गलती और ट्रस्ट की भी गलती मानूंगा, मंदिर के ट्रस्टों की। यहाँ पे क्या करना चाहिए कि इतना इस तरीके का सिस्टम बनाना चाहिए कि वो बिल्कुल साफ सुथरा, और वो दूध जो है भगोने में भर जाए चलाने के बाद, ताकि खीर उसकी बनाकर बट सके भक्तों। लेकिन अगर वो नाली में जाता है तो उसकी दुर्गति है। मैं ये नहीं कहता यहाँ पर, मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूँ कि शिवलिंग पे दूध मत चढ़ाओ, दबके चढ़ाओ मेरे प्यारे, बाबा महादेव खुश होने चाहिए, बाबा खुश होंगे तभी तो कृपा करेंगे, मगर वो दूध नाली में भी तो नहीं जाना चाहिए, है ना? अगर आप दूध की थैली लेके जाते हो तो थोड़ा सा दूध जल में मिला लो, चढ़ा दो, अगर कोई नहीं आपकी सुनता है, बाकी की दूध की थैली पे रबड़ लगाओ और पंडित जी को दे दो, लो महाराज पेट में जाएगी तो काम आएगा। और फिर पंडित जी क्या करें, पंडित जी जब ज्यादा दूध इकट्ठा हो तो उसकी खीर बना दें। आप बोलो पंडित जी चावल हम देंगे, मिलके 5-7 माता बहने आजकल जो कीर्तन वगैरह करती हैं, जो मंदिर में संभालती हैं स्थिति को, आप जाते होगे मंदिर तो जाते ही होगे, तो इस स्थिति को संभाला करें आप, इससे धीरे धीरे हमारे देश में बदलाव आएगा, हमारे देवी देवता खुश होंगे तो हम पे कृपा भी करेंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से कहो श्री राधे। तो आज पार्वती को कथा सुना रहे, इधर में
12 साल हो गए उस बालक को गर्भ में, बोले बेटा जन्म लो। तब उस बालक ने जन्म लिया है और भैया बालक का नाम सुखदेव मुनि रखा गया है। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि वह सुखदेव मुनि महाराज का टीका कराए। सबसे पहले परीक्षित मैया सुखदेव मुनि महाराज का टीका करेंगी। आज पहला ये मौका मिला है। सुखदेव मुनि ने ही परीक्षित को कथा सुनाई थी। आप जो परीक्षित बनकर बैठे हैं ना, सुखदेव मुनि ने ही परीक्षित को कथा सुनाई थी। तो आज आपके गुरु का जन्म है एक तरीके से। ये जो सुख हमारे घर में सदैव करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा मकान की चौखट भी रखते हैं तो सुखा लगाते हैं, तोता लगाते हैं ताकि घर में सुख समृद्धि रहे। तो मैं निवेदन करूंगा सभी माता बहनें सुखदेव मुनि महाराज का टीका करें। सतगुरु महाराज हैं ये सुखदेव मुनि महाराज, जिन्होंने सबको कथा सुनाई। ये पिछले जन्म में तोता थे लेकिन आगे सुखदेव मुनि बने।